Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत में कई महान शासक हुए, जिनमें से एक थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पटना के पाटलिपुत्र में हुआ था तथा 72 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात इनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में ही हो गई थी। सम्राट अशोक सम्राट बिंदुसार के तथा माता शुभांद्रिंगी के पुत्र थे तथा सम्राट अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक माना जाता था। सम्राट अशोक की माता चंपक नगर के एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी। सम्राट अशोक को एक सफल और कुशल सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ है। आचार्य चाणक्य ने उन्हें एक सफल और कुशल सम्राट के सभी गुण सिखाए। सम्राट अशोक बचपन से ही शिकार के शौकीन थे तथा खेलते खेलते वो इतने निपुण भी हो गए थे कि कुछ बड़े होने पर वो अपने माता पिता के साम्राज्य के कार्यों में हाथ बटाने लगे थे तथा वे जब भी कई कार्य करते थे अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। इसी कारण उनकी प्रजा उन्हें पसंद करने लगी थी। उनके इन्हीं सब गुणों को देखते हुए उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें कम उम्र में ही सम्राट घोषित कर दिया था। उन्होंने सर्वप्रथम उज्जैन का शासक संभाला। उज्जैन ज्ञान और कला का केंद्र था तथा अवंती की राजधानी। जब उन्होंने अवंती का शासन संभाला तो एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे। उन्होंने उसी समय विदिशा की राजकुमारी शाक्य कुमारी से विवाह किया। शाक्य कुमारी देखने में अत्यंत ही सुंदर थी। शाक्य कुमारी से विवाह के पश्चात उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। कहा जाता है कि अशोक का साम्राज्य पूरे भारत तथा ईरान की सीमा तथा पश्चिम उत्तर हिंदुकश था। फिर उनका शासन धीरे धीरे बढ़ता ही गया। उनका साम्राज्य उस शासक तक सबसे बड़ा शारतीय साम्राज्य था, परंतु कालिंग की लड़ाई में भारी नरसंहार को देखते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने इसका शांति के मार्ग को अपनाया, मतलब धर्म विजय की नीति को अपनाया। इस समय सम्राट एक शासक और संत दोनों के रूप में सामने आए। उन्होंने अपने साम्राज्य के सभी लोगों को लोक मंगल के कार्यों में शामिल होने की सलाह दी। इसके बाद उनके सारे कार्य लोक हित को लेकर थे। अशोक सम्राट ने इसके बाद अपने धर्म के प्रचार को ही अपना मुख्य उद्देश्य माना। अपने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों का सहारा लिया तथा पत्थर के खंभों, गुफाओं तथा दीवारों पर चिन्ह और संदेश अंकित करवाए। अशोक सम्राट ने 44 स्तूपों का निर्माण किया। इसके लिए उन्हें केवल 3 वर्ष का समय लगा। वाराणसी के निकट सारनाथ स्तूप के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप भी बहुत प्रसिद्ध है। लगभग 40 वर्षों के शासन के बाद अशोक सम्राट की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नियों के बारे में कोई खास जानकारी किसी किताब या कहीं और नहीं है, परंतु उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का उनके धर्म प्रचार में काफ़ी योगदान है। कहा जाता है कि अशोक की मृत्यु के बाद भी मौर्य वंश का साम्राज्य लगभग 50 वर्षों तक चला था। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।